एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट गाइस। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के खाने के साथ। मतलब अभी हम कब के उठ गए, गप्पे मारे थे बाहर बैठ के, और मम्मी बना रहे हैं यहाँ पे खाना। और यहाँ पे मम्मी बना रहे हैं आज पनीर के परांठे। मैं आपको दिखाती हूँ पनीर के परांठे खिलाएंगे। मम्मी ने घर में बनाया है पनीर। और धुआं हो गया, मैं एग्जॉस्ट चला रही हूँ मम्मी पर, आवाज आएगी इसके बाद ही करती मैं बोलने का, नहीं तो मेरी आवाज प्रॉपर आएगी नहीं। तो अभी मैं खाना दे देती हूँ माँ ही और डैडी को बाहर बैठे। आप भी खा लो गाइस। आप भी खा रहे, मम्मी परांठे बना रहे हैं। तो चलो अभी मैं खाना वगैरह दे देती हूँ सबको, और आपको भी दिखाती हूँ पनीर के परांठे, फिर उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। यहाँ है पनीर का परांठा और साथ में है दही, मजा आएगा। रात तो बड़े बच्चे लग गए। बुनू, ओए बुनू, सोता उठ जा, उठ जा गंदू गंदू। इतना लेजी है ना ब्रूनो, सोया रहता है हर टाइम। डैडी दे रहे हैं अपने फूलों में वहां पानी। फूलवाड़ी अच्छी होगी डैडी की, फूल लग गए इतने सारे, है ना? कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं डैडी, नए नए पौधे अलग अलग ही लग रहे हैं इस बार। और वहां मिर्ची सूखने डाली है, घर की मिर्ची। और डैडी ने एक नया पौधा भी लगाया है जो मेरे को बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखना इसे पानी कितना सुंदर लग रहा है, ओस पड़ी है जैसे। वाह, ये लेके जाऊंगी मैं। हाय ठंडे ठंडे पानी, बहुत सुंदर लगेगा ये। और वहां भी एक इसमें तो फूल लग गए हैं, पर फूलों का कलर बहुत प्यारा है। ले ले ले, ट्यूलिप पे ही पता नहीं कौन सा वैसे लग रहा है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और हम भी जा रहे हैं घर, क्योंकि हमें और भी काम है। और मैं डर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या आगे, हाय वो मक्खी थी। अभी और भी आगे काम है, नहीं तो फिर ऐसे ही टाइम होता रहेगा। तो सोचो थोड़ा टाइम से निकल जाते हैं, आगे जो काम है करवाने, टाइम कैसे पता नहीं चलता है, करवा लेते हैं। घर वालों से मिलना भी हो गया, अब बस तैयारी हो रही है जाने के, सामान वगैरह रख रही हूँ मैं, कुछ रह ना जाए वही देख रही हूँ। और मम्मी पापा भी इधर ही हैं, माँ ही रेडी हो रहे हैं, बस अब मैं तो रेडी होगी सबसे पहले, सब निकल जाएंगे थोड़ी देर में। आ जाओ मम्मी नीचे फिर, है ना? और आज धूप भी है, बादल भी है, मिक्स है। एक तरफ तेज धूप आ रही है, दूसरी साइड थोड़े बादल भी। अभी हम जा रहे हैं हमारे खेत। वाओ, आज जब से मक्की लगाई है उसके बाद अभी जा रही हूँ मैं, गई थी लास्ट टाइम दिखाने जब हमने नदाई की थी। आज जा रहे हैं मैं और माही, और लिया से बोला कि मुझे भी ले चलो, काफी टाइम बाद जा रहे हैं हम। तो देखते हैं क्या हाल है मक्की के, और आपको भी दिखाएंगे। घास साइड साइड में बड़ा, थोड़ा धीरे चलो माही, प्रॉपर ऐसे लग रहे हो किसान माही आप। काम करने के फ्लो में लग रहे हैं ऐसे कि बस मैं भी सारा काम खत्म कराऊंगा। काम तो क्या, हम मक्की लेने जा रहे हैं अपने लिए, और ये मैंने बैग भी ले लिया है। वॉक भी हो जाएगी और देखते हैं हुई है खाने लायक कि नहीं, आज पता चल जाएगा वैसे, क्योंकि अभी हमने एक बार भी नहीं लाए हैं मक्की। देखने तो गए थे मम्मी डैडी 5-7 दिन पहले, बट अब इतनी हुई भी नहीं थी, आज ही लगेगा पता। तोते है ना, हाँ देखना ऊपर है उस पे बैठे हुए, ये है सामने। हाँ सुंदर लग रहा है ना, गिरना मत। आराम से चली हूँ। ची 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 ची।
ज्यादा बड़ी तो है नहीं वैसे ना मक्की, आधे लोगों ने लगाई भी नहीं, पर खाने लायक तो लग रही है कि शायद होगी, सॉफ्ट सी। इस साइड भी नहीं लग रही, आगे पता नहीं। यहाँ पे हाय सारे तूफान से ऐसे हो गई, आधी तो सूख भी गई, बीच बीच में ठीक है पर इतनी लग नहीं रही है। पानी की आवाज आ रही नीचे खड्ड से ना यहां तक, सामने दूसरा गांव है हमारे खेत के पास से, तो और भी से लगता है जैसे पास में ही है। ओहो यहाँ तो बड़ा घास है, रुको। पहुंच गए हम खेत में, पर हाय बो इसमें तो है ही नहीं इतनी, मम्मी सच्ची बोल रहे थे आगे वाली साइड बोला मम्मी ने कि दूसरे खेत वाली साइड होगी, यहाँ नहीं हाय कितनी छोटी छोटी है अभी, इस बार हुई नहीं मक्की हमें, बीच में से तो ऐसे है, इसमें तो छल्ली लगी भी नहीं है ना, हाय घास ही है और जली गई है सारी। हुआ ऐसा है कि हमने दवाई लेट से डाली थी थोड़ी, तो वो जल गई शायद, और हुई नहीं, इस खेत में तो सच में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खाली है खेत, यहां से ले ले हाँ इसमें अच्छी है जैसे खाने लायक है, क्या पता दूसरे वाले में हूँ हमारे, उसने भी मेरे को थोड़ी ठीक लगी दी है। इस साइड में होगी इसके हंड में है ना, देखते हैं कहाँ मिलेगी। थोड़ा ऐसे मत खोलो फिर वो चिड़ियां खा लेती हैं। इस वाले में थोड़ी तो ठीक है बट बाकी खोल के लगेगा पता है ये ठीक है। हाँ ये ठीक है, और एक वो सामने भी एक ये ले दो, ये देखिए ये दोनों ठीक है, दादू के लिए लेंगे ऐसे सॉफ्ट सी। चलो एक ही जगह पे मिल गई हमें, तीन कितनी हुई चार होगी ना, आप दो खाओगे। दो लेंगे छोटे छोटे, जैसे मैं दादू के लिए वैसे दूर सिलूंगी पतली वाली ना, वो देखती हूँ ये होगी शायद है ना, क्या हुआ इतनी भी नहीं यालीन निकाल लो, बड़ी नहीं चाहिए मेरे को, चाहिए पांच होगी मेरे को चाहिए, छोटी देखनी पड़ेगी साइड, ये वाली सॉफ्ट लग रही है मेरे को, ये वाली देखनी, ये बड़ी है ये नहीं है सॉफ्ट, सॉफ्ट मीन दादू के लिए बिल्कुल ऐसे ना। हाँ ये ठीक है, हाँ इसमें बिल्कुल ऐसे सॉफ्ट सी, एक आधी छुट्टी और ले लूंगी बस हो गया, फिर जो भी निकलेगा उसमें देखा जाएगा। चलो हो गया, तो ये है हमारे खेत जिसमें फसल हुई नहीं इतनी ज्यादा, पर ठीक है फिर भी जो है उसमें खुश रहो, ज्यादा क्या सोच रहे, एक दिन छोड़ के आ जाया करेंगे ना लेने, मतलब डेली को कितने खाएंगे। अभी मैं इनको डालती हूँ, ये
ना धुला हो तो बहुत है ना आठ है फिर सोच लो एक आदमी तो नहीं वैसे तो नहीं चाहिए चलो 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 गाइस देखो मैंने शूज पहने जो दादू और भाई पहनते हैं मेरे हैं नहीं यहाँ पे बट मेरे को ही सही से आगे हमारे पैर के साइज बराबर ही है तो फायदा ही हुआ मेरा दादू ने बोला यही पहन के जाओ ऐसे ही जाना चप्पल में कहाँ गई वो जहाँ हमने इतनी मेहनत की थी यहाँ पे वहाँ पे मेहनत करने के बाद पढ़ना मेरे तब बुरा लगता ही है क्योंकि मम्मी ने भी बहुत मेहनत की थी घास निकाला था क्योंकि बट कोई नहीं अगली बार से अभी उनको ठीक से कर पड़े तो अभी ले लिए हमने एक लिफाफा भर के मक्की और चल पड़े हम सबके लिए हमने सेलेक्ट कर कर के लिए कि कौन सी किसके लिए दादू के लिए वैसे ली तो है और ये क्या लगे नींबू माही नींबू है हाय राम कितने बड़े हैं ना देखना ऊपर आप दिखाओ एक ये देखो कितने बड़े बड़े नींबू हैं ऊपर भी बहुत सारे हैं अमरूद के जैसे लग रहे हैं हाय चींटियां चींटियों ने खा ली माही चिपक गई हाथ में हाँ तो बिना परमिशन दूसरों के ऐसे मैन वर्सेस वाइल्ड में जो था ना बियर ग्रिल्स ऐसे फील आ रही है बेटा ऐसे जगह पहुंच गए हमें तो लग रहा है हमें हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है आग जला लो गया आप जला ही लेंगे वो तो बैम्बू से घर जाके खत्म होने वाली है आपकी जिंदगी थोड़ी देर में तो यहाँ से फिर ऐसी लगी है चलो अभी हम आपको घर जाके मिलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे कैसे निकली हमारी मक्की जो हम लाए हफ्ते दिन एक निकाल दी माही ने कैसे निकली और ये अच्छी लग रही है ना ये बहुत टेस्टी होगी देसी हमारी भैंस लिया वो नहीं पता बारी बारी से निकाल रहे माही में उसके ऊपर रखो ये तो बहुत हार्ड है तो पक गई है कौन खाए इसको डैडी खाए नहीं कोई नहीं सेकंड वाली ये निकली अच्छी है पर ये मतलब खाने लायक है अच्छी है ना मीठी होंगी टेस्ट तो मीठा ही होगा इनका बस ऐसा करना ज्यादा नहीं खोलना अब एक और खोलो अच्छी वाली और बाकी जो छोटे छोटे लाए वो खोल दो हाँ ये दादू के लिए अच्छी है जो हमने निकाली थी वो नहीं अच्छी होगी ना वो ज्यादा ही बहुत सॉफ्ट हाँ अच्छी है ये वाली कितनी खोलोगे दो रख लो ना ऐसे फिर फ्रिज में रख देंगे ये भी अच्छी है दो फ्रिज में रख दो बस होगी सबके लिए कितने छः पाँच हुई अभी कितने हम तीन चार पाँच सात हैं पाँच हुई तो अभी दो okay. निकाल दो मतलब बड़ी वाली मत निकालना अभी छोटी बेबी वाली निकालना नहीं बची तो दो बची इतनी लाए हम यही निकालो हाँ एक निकाल रख लो पूजा के लिए हाँ ठीक है होगी सिक्स हुई ना भी बहुत है सिक्स सात लोग हैं छोटी वाली खा लेंगे बोला नमक नींबू लगा के ना स्वीट हो ओहो सारे खा लेंगे
सारी अच्छी अच्छी हो गई है। ये नहीं, नहीं खाली नहीं है, जो पीछे ना छोटी छोटी उनमें भी अच्छी मक्की है, उनसे भी लाए हम निकाल के। ए शायद दादू के लिए लेके आए तो दाना अच्छा भी पूरे उरे है, छोटी छोटी थी आया नहीं कुछ नहीं। होगी सारी, हाँ खाली खाली तो लग रहा है। ये लाए थे हम दादू के लिए जमे। ए अच्छी है नम्मी, ये कोई आनी ये ठीक ही मिठी बथेरी होनी ना पुन्नी ने खटी। हाँ वो लग रहे खिल्ला वाले दाने। तो ये है हमारी मक्की, इतनी सारी लेके आए हम, सारी खत्म है। चलो इधर ले, इसमें लेके आओ। तो माँ ये भी जा रहे हैं, जो मक्की की होती है ना जिसको हम गुल्ली बोलते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से जलती चूल्हे में आग ना ज़्यादा देर तक रहती है, तो वो लेके आएंगे। सूखी होती है, रखी हुई कहाँ है, हैं ये है। भर देना इसको, अभी मैं और माही छत पे आए हैं, जो जहाँ पे हमारा स्टोर रूम है, मतलब हमने सारी लकड़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं उसके छत पे। मैं खुद पहली बार आई हूँ, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ से, इतना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा। और ये जो साथ में दिख रही है ना चील, यहाँ पे बैठा हुआ था मोर उस दिन जब मैंने आपको किचन से दिखाया था, आज है ही नहीं, बस पैरेट ही पैरेट है इतने सारे। अच्छा लग रहा है, मैं आपको एक बार व्यू दिखाती हूँ यहाँ से और हाइट से कितना अच्छा लग रहा है ना वहीं, अच्छा लग रहा है ठंडी ठंडी हवा। दिखा दो, अभी मुझे और माही को बहुत काम है क्योंकि हमें लकड़ियां भी लेनी है, चूल्हे में आग जला के हमें उसे थोड़ी देर रखना भी है, तब जाके हमारी मक्की वो भुनेगी अच्छे से, क्योंकि हम चूल्हे वाली मक्खी खाएंगे वो ज़्यादा टेस्ट लगती है, ऐसे गैस वाली पे मज़ा नहीं आता। और खा भी पहली बार रहे हैं ना अपने खेत की, तो फिर थोड़ी सी मेहनत ही कर लेंगे। चलो चले यहाँ से, देखो रास्ता चलो आराम आराम से, पहले जब रेलिंग नहीं लगाते थे तब कितने आराम से जाते थे, सारे डरते थे कि बच्चे पता नहीं कैसे जाएंगे, किया लियो भी खा रहा है मक्की, लियो भी खा रहा है, इसको बड़ी पसंद है, इसके लिए सबसे छोटी वाली खा रहे, लियो गुम्मी गुम्मी करने जा पहले फिर खाना, ओए जा और वहां आग जला दी मैंने, अब तो थोड़ी जल भी है अच्छे से, अब भूनते हैं। लियो बाद में खाना, गुम्मी गुम्मी करके आ जा पहले, सोच रही हूँ देखती हूँ होगी होगी तो टाइम से खा लेंगे, फिर खाना नहीं खाया जाता है बाद में, अभी देखती अच्छी लग रही ठंडी ठंडी हवा, आग सेक रही हूँ मैं, भूनती हूँ अब मैं मक्की। तो ये बची, बाकी सारे ले गए, अभी दीदी मैं और भाई खाएंगे, बाकी सब ने खा लिया और मैंने खाई, और इतनी टेस्टी और मीठी लग रही है, इतनी जल्दी होगी बाहर, ऐसे गर्मी भी नहीं लगी।